वालेकुम सलाम सर सर सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हो? क्या कर रहे हो इधर? यार इधर क्या कर रहा हूँ, क्या बताऊँ आपको। इतनी ऐसी जगह पे जहाँ पे व्यू को देख के बंदा सोचता ही रहता है कि बंदा करे क्या यहाँ पे, बंदा सोचते रहता है। इसीलिए तो मैं यहाँ पे आया, मैं भी यहाँ पे आके बैठ के सोचूं क्या सोच रहे हैं, हमें वो क्या रहा है, क्या हो रहा है। बस यार बड़ा बेजार हो गया यूट्यूब से, समझ नहीं आ रही क्या किया यूट्यूब ने ऐसा, इतना अच्छा तो चल रहा है। अच्छा यार अच्छा ऐसा अच्छा जैसे चलना चाहिए, जैसे मेहनत करते हैं उस तरह अच्छा चल नहीं रहा। मैं बेसिकली जो परेशान आज हुआ ना, बहुत अपसेट हुआ, वो रात को एक मैंने पोस्ट देखी है किसी की। अच्छा, उसने मुझे बड़ा गमगीन कर दिया, दिल जैसे टूट सा नहीं गया, ये हिसाब हो गया। क्या बोल, तो इसलिए अकेला बैठना चाह रहा था कहीं रात पे पीसफुल एनवायरनमेंट मिले, तो इसलिए यहाँ पे आके बैठ गया। पोस्ट देख के आपको गमगीन हुए? हाँ, लेकिन रात को मुझे फ्लू हो गया, मैं उसकी वजह से गमगीन था। मैं तो पोस्ट क्या अभी क्या आप आगे बैठी हो तो मैं थोड़ा सा हंसा हूँ, नहीं तो रात की जब से मैंने किसी की पोस्ट देखी हुई है तो मैं ऐसे जैसे हंसना भूल ही गया हूँ। अच्छा हुआ क्या है, क्या पोस्ट थी यार? हुआ ये है कि देखो, एक हम जैसे यूट्यूबर होते हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं, कोई फेम नहीं हमें मिलता, हमारी वीडियोस पे कोई व्यूज ही नहीं आते, 30-40 व्यूज। यार आप हफ्ते में एक बार वीडियो अपलोड कर देते हो, और इसके अलावा आपने 200 प्लस वीडियोस अपलोड किए हैं। भाई मैंने 8 माह में 300 प्लस वीडियोस अपलोड किए। 300 प्लस बहुत ज्यादा वीडियोस है ये। कितना भी आपके पास मंथ्स में टू मच है 300 वीडियोस, और सब्सक्राइबर अभी सिर्फ 4400 सब्सक्राइबर्स हैं। व्यूज आते नहीं है, व्यूज हमारे आते हैं 40-50 मैक्सिमम 100 व्यूज, बहुत कम है। और इतनी स्ट्रगल करने के बाद यार ये व्यूज। अच्छा दिल किस चीज़ पे टूटा, ये तो आहिस्ता चलेगा ना, हम जैसे यूट्यूबर तो स्लो स्लो जाते हैं और अपने ट्रैक पे आते हैं। मैंने रात को जो पोस्ट देखी है ना, उससे मैंने अंदाजा लगाया कि फेम हासिल करने वाले ना कैटेगरी एक अलग है, और एक हम जैसे यूट्यूबर हैं कि जिन्हें फेम कह लो कि आने वाले शायद 5 साल तक भी मिलना बहुत मुश्किल है। अच्छा। एक तो फेम हासिल करने का जो तरीका है, जो मैंने रात को देखा है, वो तरीका वो सबसे बेस्ट है, जो कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है या ऐसी फैसिलिटी नहीं है। अगर ऐसी फैसिलिटी जिनके पास होती है, आई थिंक उन्हें ही वो फिर फेम मिलता है। बेसिकली हुआ ये है कि रात को मैंने सिस्ट्रोलॉजी की एक पोस्ट देखी है, जिन्होंने अपने फियोंसी का चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल बनाया, वो उन्होंने सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल पे, सिस्ट्रोलॉजी चैनल पे उन्होंने सिर्फ उसकी पोस्ट लगाई और कह दिया कि फाइनली अरीब परवेज ने भी चैनल बना लिया, आप लोग जाके उसके चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई मैंने वो जब वीडियो वो पोस्ट देखी, वो पोस्ट अभी 1 घंटा नहीं हुआ था उस पोस्ट को अपलोड हुए। अच्छा, मैंने अरीब परवेज के चैनल पे जाके देखा है तो उसके 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर हो गए थे, अभी वीडियो भी कोई नहीं थी उस पर। 1 लाख सब्सक्राइबर, 1 लाख सब्सक्राइबर विद इन 2 आवर्स और वीडियो भी कोई नहीं। और आज मैंने सुबह देखा है उस चैनल पे एक वीडियो अपलोड हो गई है और विद इन 2 आवर्स उसकी 5 लाख प्लस व्यूज हो गया। यार अब सोचोगे हम जैसे बंदों का क्या कसूर है, हमें दुनिया क्यों नहीं देखती, हम भी तो यार हम तो मेहनत करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, देखो यहाँ पे और भी बहुत सारे, जैसे वो डकी छोटे भाई का चैनल बनाया, उसका 1 घंटे में 1 लाख सब्सक्राइबर हो गया इजीली। बिल्कुल ऐसे ही अभी वो स्टार एनिमस जो है, पिंडी बॉय डाले वाला, उसने बाबा जी चैनल बनाया और उसने बोला कि मेरे छोटे भाई का उसने चैनल बना लिया, अब उसने अपने छोटे भाई को चैनल दे दिया अमीन का जू समथिंग, और अमीन साहब के जो चैनल पे ना 1 घंटे में तकरीबन उसके 20,000 सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन 20,000 सब्सक्राइबर मैं सोचता हूँ अगर मेरे चैनल पे हो ना, मैं उल्टी छलांग मारूं। एग्जैक्टली मैं खुद यार 20,000 सब्सक्राइबर इतने हैं कि अगर मैं किसी होटल में जाके बैठता हूँ, अकड़ से बैठूंगा। एग्जैक्टली यार आप सब्सक्राइबर की बात कर रहे हो, मैं आपके साथ व्यूज की बात करूंगा कि जैसे आज वो अरीब परवेज के चैनल पे पहली वीडियो अपलोड हुई है और 1 घंटे के बाद ही मैंने देखा तो वो 5 लाख व्यूज उसके क्रॉस हो गए थे। और हम जैसा जो गरीब यूट्यूबर है वो कहता है कि यार मैं वीडियो अपलोड करूं, सिर्फ 1,000 भी व्यूज आ जाए ना, 1,000 बहुत ज्यादा है, मैं बहुत खुशी के आलम में चला जाऊं। मैं कहता हूं अगर मेरी वीडियो में जो मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूं, 1,000 चलो 700 कर लो, 700 व्यूज भी है ना, एवरेज व्यूज,
700 से 1000 मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूं। मैं इतना खुश हूं, इतना खुश हूं यार, देखो दिल बड़ा हो जाता है ना कि यार मैं चलो एफर्ट कर रहा हूं, वीडियोस बना रहा हूं, लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, मैं डेली वीडियो बनाता हूं। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि अब देखो जैसे फर्ज करो मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं, मैंने अपने छोटे भाई का चैनल बना दिया और मैं बोलता हूँ आवाम को इसे सब्सक्राइब करो। आवाम को अब नहीं पता मेरे छोटे भाई का कंटेंट ही क्या है। एग्जैक्टली उन्हें ना कंटेंट पता है, ना उन्हें मेरे छोटे भाई को देखा हुआ है, ना उनको पता है वो कैसा है, कैसे वो बात करता है। वो आवाम अन्य वाह सब्सक्राइब करती है और एक नॉर्मल बंदा आप जैसा वीडियोस बनाता जा रहा है और बोलता जा रहा है यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई नहीं करता, कोई करता नहीं है। ये तो फिर हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हम जैसे फिर बंदे एट द एंड फिर कहते हैं यार दफा करो यार, नहीं नहीं दफा नहीं करो, दफा नहीं करो, आप वीडियो बनाने छोड़ देते हैं। आपकी शादी हुई है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी, मेरी नहीं हुई। अच्छा आपकी टारगेट एक रख लेते हैं, टारगेट किसी मतलब बहन को टारगेट से कर लेते हैं शादी, फिर उसके बाद वो जब मेरा चैनल बना के ना बोले कि इसको सब्सक्राइब कर दो। यार शादी तक तो हम नौबत जाने नहीं देंगे, हम बोलेंगे कि रास्ते में ही कहीं जब वो साथ हो जाएगी वीडियोस बनाएंगे तो हम जब 1 लाख सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे हम बोलेंगे आप जा सकती हैं, मतलब फेम आ गया। फिर लोग बेशक हमें हेट दें या हम लोग एक और काम है कि हम लोग डकी भाई को किसी तरह अपना दोस्त बना लें। नहीं बनता, जो कि वो बनता ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। यार मैं एक ऑफर कराता हूँ यहाँ पे इस वीडियो के दौरान, अगर कोई बड़ा यूट्यूबर मेरी वीडियो देख रहा है मैं उसको 5 लाख रुपया दूंगा, मेरे साथ कोलैब करे और 10 वीडियोस में मुझे जगह दे अपनी और मेरी तकरीबन 5 वीडियोस में आ जाए। एक ऐसा यूट्यूबर हो जिसकी एवरेज व्यूज 1 लाख आते हो हर वीडियो में, मैं उसे 5 लाख रुपया दूंगा, मेरे साथ वीडियो बनाए, ठीक है इतना काफी है, डन हो गया। 5 लाख आप भी दे देना, आपके साथ ही बना लें, डन हो, वो 5 लाख हम रिकवर कर लेंगे 1 महीने के अंदर, वो कर लेंगे। ऐसा कोई बंदा अगर है तो कमेंट बॉक्स में आए, मैं उसे डायरेक्ट आ जाऊंगा उसके पास और उसे बातचीत करके और उसे खिलाऊंगा भी पिलाऊंगा भी, सारा कुछ उसे फैसिलिटेट करेंगे, हम लोग उसे एंटरटेन भी करेंगे, जो वो कहेगा जिस रेस्टोरेंट में कहेगा हम लोग खाना का, ठीक है जो वो कहेगा इसके बाद खाने का आगे नहीं, ठीक है नहीं आगे नहीं, वो आप गलत सोच रहे हो, ऐसे बंदे हम नहीं है। खाने की हद तक इंजॉयमेंट उसे करवाएंगे, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे और अच्छी गुफ्तगू उसके साथ होगी अच्छे एनवायरनमेंट में। यार एक और बात करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमने भाई शरीफ भाई ये अंदाजा हो गया है कि जब तक आपको कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं मिलना, आप खपते रहो सर टकरे मारते रहो यूट्यूब पे, 5 साल भी टकरे मारते रहो आप ग्रो नहीं करोगे, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ये हमने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर की हैं, सिस्ट्रोलॉजी के फियोंसी की, डक्की भाई के छोटे भाई की, डक्की भाई की मिसेज की और डक्की भाई का जो साथी हैं उनकी, आप ये सब एग्जांपल्स देख लो, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हम लोग जो चीज को लेके परेशान है वो हम लोग राइट पे है, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। फेवरेटिज्म नहीं होनी चाहिए, हाँ जो भी मेहनत कर रहा है उसे देखना चाहिए लोगों को कि लोग हम जैसे यूट्यूबर्स को भी देखें, फॉलो भी करें, हमारी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। क्यों शरीफ भाई सही कहा या नहीं? यार मेरे ख्याल में इस वीडियो में पब्लिक आएगी और अगर 5000 तक भी व्यूज हुए तो हमें 4000 सब्सक्राइबर इजीली मिल जाएगा। खैर अब डिपेंड करता है लोगों पे कि वो आए और देखें। खैर हम यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को एंड और यहाँ पे अब लाइट भी हो रही है चल। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा हमारी वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या था, तो सर आप जरा वीडियो को करें एंड ताकि हम क्या बताऊँ, कैमरा मुझे लगता है मैंने वीडियो स्टार्ट ही नहीं की। जाते जाते आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अब हमें दें इजाजत, मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ओके सर अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।